नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर दें। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा एक ही सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि लाडली बहना योजना की फॉर्म आखिर डलेंगे किस तरीके से, मतलब कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट के माध्यम से डलेंगे या फिर फॉर्म भरने के बाद नगर पालिका नगर निगम कहीं पर भी हमें सबमिट करना है या फिर कोई थर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉर्म डलेंगे और बाकी की बेसिक डिटेल वगैरह क्या रहने वाले, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल खोल कर रखा है जो कि लाडली बहना योजना के बारे में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लाडली बहना योजना एप्लीकेशन फॉर्म मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना की घोषणा की गई थी, तभी से यह योजना चर्चा में बनी हुई है। योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी के मन में सवाल है, आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे? आगे लाडली बहना योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और आगे बढ़े जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया गया लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन की जानकारी। तो यहाँ पर अब आप इस टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़िए। महिला दिवस यानी 8 मार्च से राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दिया जाएगा। वहीं 5 मार्च से आवेदन फॉर्म भरने यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। राज्य की पात्र बहनों को आवेदन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप ठीक तरीके से पढ़िए, इसके लिए शिविर लगाए जाएंगे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर फॉर्म भरवाने का काम करेंगे। मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पर एक कैंप टाइप का लगाया जाएगा और ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपने देखा हो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आश्रमिक कार्ड बनाए जाते थे, जिस तरीके से आवास के लिए अप्लाई करना होता है, उसी तरीके से पूरा यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। कुछ भी ऑनलाइन नहीं, कुछ भी ऑफलाइन नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दे दिया जाएगा फॉर्म टाइप का, उसमें डिटेल भरनी है। सिंपली उन्हीं अधिकारियों को सौंप देना है, हो सकता है वो अधिकारी आपके नगर पालिका या फिर नगर निगम नगर पंचायत या फिर तहसील के हो, ठीक है ना, तहसील से रिलेटेड हो, तो वही अधिकारी आपका फॉर्म सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आप पकड़ बनाकर रखिएगा नगर पालिका नगर निगम में फॉर्म अगर आप आवेदन करना चाहते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन किसी भी तरह का आवेदन नहीं होने वाला है, इस चीज को पढ़ लीजिएगा जो भी आपसे बोले कि नहीं इस वेबसाइट से। अभी मैंने कल ही एक YouTube पर वीडियो देखा जिस पर बताया जा रहा था कि नहीं इस वेबसाइट के थ्रू ऐसे ऐसे फॉर्म भरे। मैंने सोचा भाई ये तो वेबसाइट ही नहीं, कोई बनी ही नहीं आज तक कोई वेबसाइट, तो कहां से फॉर्म भर रहा है बंदा, ठीक है ना। तो फर्जी वीडियो के चक्कर में ना भी दे, और यहाँ पर सरकार द्वारा कहा क्या गया है उस चीज़ को समझे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको आगे पढ़ के बता देता हूँ लाडली बहना योजना क्या है। मध्य प्रदेश सरकार, अब यहाँ पर ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं कि लाडली बहना योजना है क्या। 1,000 प्रति माह हर महिला को दिए जाएंगे इस आवेदन को करने के बाद। बस यहाँ पर कुछ शर्तें रहेंगी कि आवेदिका यहाँ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए, मध्यम परिवार से होनी चाहिए, तभी यहाँ पर महिलाएं आवेदन कर सकेंगी और उन्हें 1,000 रुपए प्रति माह की सहयोग राशि दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है योजना का लाभ। तो यहाँ पर मतलब कि 5 साल तक पूरी ये योजना चलेगी, 5 साल तक कंटिन्यू हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यहाँ पर बाकी की लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।